गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी रीड अबाउट कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड मैनी अदर सोर्स, नेचुरल गैस। दीज सोर्स आर कन्वेंशनल सोर्स इन प्रीवियस वीडियो। And in this video, we read one more conventional source and after non-conventional source of energy. So, we start from hydropower. Hydropower क्या होती है? हाइडल वो जो वर्ड बनता है हाइड्रो से बनता है और हाइड्रो पानी से रिलेटेड होता है, तो पानी से जो एनर्जी बनती है दैट इज़ कॉल्ड हाइडल पावर। देयर रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। रेन वाटर को या रिवर के वाटर को हम लोग स्टोर करते हैं डैम्स में और बहुत ऊंचाई से गिराते हैं। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ डैम। और जो पानी होता है वो पाइप के थ्रू बहता है और बांध में नीचे जो टर्बाइन लगी होती है उसके ऊपर गिरता है। देखो यहाँ दिया भी है कि वाटर रिजर्वोर से वाटर आ रहा है और ये नीचे निकलते निकलते हमारे टर्बाइन के पास पहुँचता है। टर्बाइन और यहाँ सारे जनरेटर्स लगे हैं जिससे चलती है और मूव करके यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। यहाँ देखो हम लोगों का ये यहाँ पे सब मीटर भी लगा हुआ है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का कलेक्शन होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हमारी पानी के थ्रू जो है एनर्जी बनाई जाती है। दिया है देन कि द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न टू जनरेट द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ब्लेड टर्बाइन के मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन। और जो वाटर बचता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद उसे इरीगेशन में यूज़ करते हैं। 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाई हाइडल पावर। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पाराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया, भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। देन वी रीड नाउ वी रीड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। जो इंक्रीजिंग सोर्स है फॉसिल फ्यूल का वो हमारा दिन पे दिन उसमें कमी होती जा रही है। इट इज़ एस्टिमेटेड डैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज द रिजर्व्स ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एक्सहॉस्टेड। अगर हम लोग इसी तरीके से इसका लगातार यूज़ करते रहे तो एक दिन ये बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। मोर एवर देयर यूज़ आल्सो कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, देयर फोर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। और साथ ही में ये हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट भी करते हैं, इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स का यूज़ करना चाहिए जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल, जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, सन हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाई अस एवरी डे। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंट इन टू सोलर पैनल टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज़। हम लोग बोल सकते हैं कि सन के थ्रू जो हम लोग सोलर एनर्जी को लेते हैं उसको सेलों में लगा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इन्हीं सेल इनमें कई तरीके के सेल्स लगे होते हैं सोलर पैनल में, जो हीट और लाइट को उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं।
The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. ऐसे एरियाज़ में, ऐसे ट्रॉपिकल एरियाज़ में जहाँ पे धूप अच्छी खासी बनी रहती है, सन की एनर्जी अच्छी मात्रा में मिलती है, ऐसे हीट रीजन्स में, हॉट रीजन्स में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है. सोलर एनर्जी इज़ आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स. तो ये सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर ड्रायर्स के अलावा ट्रैफिक लाइटों में भी आजकल यूज़ की जा रही है. एक चार्ट हमारा दिया हुआ है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का. उसमें देखो कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 ये हमारे पार्ट्स दिए हैं. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ पार्ट्स की बात करेंगे. तो सबसे फर्स्ट है हमारा विंड एनर्जी. सबसे फर्स्ट जो है वो हमारा कौन सा है, विंड एनर्जी. विंड एनर्जी, और विंड एनर्जी के एडवांटेज जो हैं, नॉन पोल्यूटिंग, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस सेट अप, सेफ एंड क्लीन. ये ना तो पोल्यूटिंग होती है, एक बार सेटअप होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करती है और सेफ और क्लीन भी रहती है. डिसएडवांटेज है, नॉइस पोल्यूशन होता है. विंड एनर्जी जो मिल बनाई जाती हैं उनमें चलने वाले पहियों के कारण हमारे यहाँ शोर बहुत ज़्यादा होता है. विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, लगाने के लिए कॉस्टली होती हैं. डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, मतलब ये टीवी और रेडियो में आने वाली वेव्स को डिस्टर्ब करती हैं और हार्मफुल टू बर्ड्स और पक्षियों के लिए हार्मफुल हैं, क्योंकि इसके जो चक्के चलते हैं, इसके जो पहिए चलते हैं वो बर्ड्स उनसे टकरा सकती हैं और उनके लिए हार्मफुल हैं. देन सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का दिया है एडवांटेज एक्सॉस्टिबल नॉन पोल्यूटिंग. सोलर एनर्जी जो है वो एक्सॉस्टिबल है और नॉन पोल्यूटिंग है. मतलब एक्सॉस्टिबल का मीन्स, इन एक्सॉस्टिबल का मीन्स अधिक समय तक चलने वाली. और डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव डिफ्यूज सोल सो गेट्स वास्टेड, कि अगर एक्सपेंसिव है अगर हम लोग लगा रहे हैं और अगर इसके सोर्स में कुछ भी कमी आती है तो ये नष्ट हो जाती है. टाइडल एनर्जी जो है, टाइडल एनर्जी हमारी टाइड्स जो हमारे ओशियंस में उठते हैं, उन टाइड्स सीस में, ओशियंस में जो टाइड्स उठते हैं वो टाइड्स के थ्रू बनाई जाती है. एडवांटेज है नॉन पोल्यूटिंग और इनएक्सॉस्टिबल, मीन्स ना तो जल्दी ख़त्म होती है, और मतलब इनएक्सॉस्टिबल का मीन्स हम लोग इसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं. नॉन पोल्यूटिंग भी है. और डिसएडवांटेज है डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ इनहैबिटेड, मतलब वाइल्ड लाइफ को ख़त्म करती है. और डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, मीन्स बनाने में भी थोड़ा हार्ड होती है, इसको मुश्किल से बनाया जाता है. नीचे दी है बायोगैस, एडवांटेज है लो कॉस्ट पे, इजी टू ऑपरेट, इजी तैयार करने में भी इजी होती है, एंड मेक यूज़ ऑफ बायो वेस्ट. और बायो वेस्ट जो हम लोगों का निकलता है, पेड़ पौधों की पत्तियों का, गोबर का, इन सारे वेस्ट से बनती है. और डिसएडवांटेज है कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है ये. न्यूक्लियर एनर्जी इमिट्स लार्ज, एडवांटेज है इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी जनरेट करती है. डिसएडवांटेज है जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट, और साथ में रेडियो एक्टिव वेस्ट भी तैयार करती है, एक्सपेंसिव और महंगी भी है. जियोथर्मल एनर्जी एडवांटेज है क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल. क्लीन रहती है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखती है, इको फ्रेंडली हमारे लिए, हमारे फेवर में, हमारे लिए बहुत अच्छी है, एंड ऑलवेज अवेलेबल और हमेशा मिल सकती है. डिसएडवांटेज है लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ये शहरों से दूर लगाई जाती है और साथ ही में इसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है. दिया एक्टिविटी सोलर वर्कर टेक एन ओल्ड कार ट्यूब, फ्लैट इट, इनफ्लैट इट एंड कीप इट ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म
एक कार की पुरानी ट्यूब लें और उसमें हवा भर के उसे लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं. पेंट्स एन एल्युमिनियम वेसल ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड एंड ऐड 1 कप राइस एंड 1 कप ऑफ वाटर टू इट. और एक बर्तन लेते हैं एल्युमिनियम का जिसको बाहर से ब्लैक कर देते हैं और उसमें 1 कप चावल और 2 कप पानी डाल के रख देते हैं. एंड क्लोज द वेसल विद अ लिड एंड प्लेस द वेसल इन इनर सर्किल ऑफ द ट्यूब. और इसको हम लोग बंद करके जो ट्यूब का सर्किल था उसके अंदर रख देंगे. नाउ प्लेस अ गैस फ्लेम ओवर द ट्यूब एंड कीप द सेट आउट इन सन. और इसमें एक ट्यूब में गैस फिल करेंगे और उसको सन लाइट में रख देंगे. आफ्टर द गैस फ्लेम इज प्लेस्ड एयर कैन नेदर कम इन और गो आउट. गैस जब फिल उसमें हो जाएगी ट्यूब में तो एयर ना तो अंदर आ सकती है और ना बाहर जा सकती है. बट द सन रेज कमिंग इन टू द क्लोज कैविटी इन क्लोज बाई द ट्यूब गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट इस्केप. लेकिन सनलाइट जो है वो इस में चली तो जाती है खाली जगह में बट बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे द टेम्परेचर इंक्रीज स्लोली कुकिंग द राइस ओवर फ्यू आवर्स. और टेम्परेचर बढ़ जाता है और राइस कुछ घंटों में बनके तैयार हो जाते हैं, कुछ समय में बनके तैयार हो जाते हैं. नेक्स्ट है विंड एनर्जी. विंड इज़ एन इनएक्सॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी. ये इनएक्सॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब इसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, ये ना ख़त्म होने वाला सोर्स है. विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल. जो विंड मिल्स थी इनका यूज़ पहले हम लोग अनाज को ग्रेन्स को पीसने में और पानी को निकालने के लिए करते थे. इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और आज के टाइम पे हम लोग विंड मिल का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में कर रहे हैं. विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन एंड इन माउंटेन पासेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड ब्लोज. जहाँ पे बहुत भारी और स्ट्रॉन्ग विंड्स बहती हैं चलती हैं उन एरियाज में, कोस्टल एरियाज हो या माउंटेन एरियाज हो, उन जगहों पे क्लस्टर मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, कई इकट्ठी मात्रा में ग्रुप के तरह हम लोग विंड मिल्स लगा देते, विंड फार्म लगा दे, विंड फार्म इस्टेब्लिश कर देते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती. विंड फार्म आर फाउंड इन नीदरलैंड जर्मनी डेनमार्क यूके यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन. न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्ली टू ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकेयरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम. न्यूक्लियर पावर जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं यूरेनियम थोरियम उनके थ्रू जनरेट की जाती है न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि उनके एटम्स में पावर स्टोर होती है. दिस फ्यूल्स अंडरग्रो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर. और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जाके इनके न्यूक्लियर में फिजन होता है और एनर्जी जनरेट होती है. द ग्रेटेस्ट फिजन मीन्स हो जाता है टूट जाना. इनके जो न्यूक्लियर्स होते हैं वो टूट जाते हैं. द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप. यूएसए और यूरोप में न्यूक्लियर पावर ज़्यादा मात्रा में जनरेट की जाती है. इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम थोरियम इज फाउंड द लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ द मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला. यूरेनियम राजस्थान और झारखंड में और थोरियम हमारे यहाँ केरला में पाया जाता है. न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान एंड नरोरा इन उत्तर प्रदेश, कैगा इन कर्नाटक. दिया है न्यूक्लियर पावर देखो किस तरीके से जनरेट होती है. हीट सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर फिजन करते हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर में गर्म पानी को, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर को फिजन करते हैं मीन्स तोड़ देते हैं और गर्म पानी निकलता है और एक चक्की में जाता है जहाँ पे स्टीम भी पहुँचती है और ये जो टर्बाइन लगे हुए हैं टर्बाइन घूमते हैं और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी.
जन दिया है जियो थर्मल एनर्जी जो है हीट एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियो थर्मल एनर्जी। अर्थ के थ्रू जो हम लोगों को एनर्जी मिलती है वो जियो थर्मल एनर्जी कहलाती है। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर, जैसे जैसे हम नीचे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, और कभी कभी ये एनर्जी अर्थ के अंदर की हमारे यहाँ बाहर भी निकल के आ जाती है गर्म पानी के झरनों की तरह। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर, और इसी का यूज़ हम लोग पावर को जनरेट करने में करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज फॉर्म ऑफ हीट स्प्रिंग्स हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग हीटिंग बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स, और इसका जो यूज़ है हम लोग जियो थर्मल एनर्जी को हॉट स्प्रिंग्स के रूप में कुकिंग बाथिंग, जो हॉट इसके सोर्सेज हैं उसको हम लोग कुकिंग बाथिंग और हीटिंग जैसे बहुत सारी चीज़ों में सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। USA हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियो थर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाई न्यूजीलैंड आइसलैंड फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका, और USA वर्ल्ड का जियो थर्मल पावर को बनाने वाला बहुत बड़ा सोर्स है, जिस इसी को फॉलो करके न्यूजीलैंड आइसलैंड फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका भी जियोथर्मल पावर का यूज़ कर रहे हैं। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकर्णम इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। फिर दिया है टाइडल एनर्जी, एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाई बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सीज। ये जो टाइडल एनर्जी है ये हम लोग समुद्र के किनारे डैम्स को बिल्ड करके बनाते हैं, जनरेट करते हैं नैरो ओपनिंग ऑफ द सीज, जहाँ पे समुद्र को केवल थोड़ा सा ही ओपन रखते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड्स द एनर्जी ऑफ टाइड्स इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग जैसे कि रिवर में बनाते हैं उसमें वहाँ पे पानी लगातार पहुँचता रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग टर्बाइन लगा देते हैं और जब बहुत ऊँचे टाइड्स उठते हैं तो पानी उठता है ऊपर और बहुत तेजी से नीचे टाइड्स के से ही गिरता है और टर्बाइन पे आके गिरता है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। रसिया फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल्स फर्म। रसिया फ्रांस के साथ इंडिया में गल्फ ऑफ कच में टाइडल मिल्स लगाई गई हैं। देखो यहाँ पे दिया है ये समुद्र है, बीच में बहुत थोड़ा सा छोड़ा गया और दोनों साइड क्या लगा दी गई हैं, डैम्स टाइप के बना दिए गए हैं, टर्बाइन लगा दी गई हैं। एक साइड से पानी देखो बहुत तेज़ी से जब ऊपर से गिरेगा तो इनकी टर्बाइन पे गिरेगा जाके और बहुत तेज़ी से जनरेट होगा, और जनरेट होने के बाद टर्बाइन चलेंगी जिससे कि टाइडल एनर्जी बनके तैयार हो जाएगी। दिन दिया है बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल्स एनिमल डग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट है प्लांट्स और एनिमल्स का, जैसे कि गाय का गोबर या फिर किचन से निकला हुआ वेस्ट होता है, इन सबसे फ्यूल बनाया जाता है जो कि बायोगैस कहलाता है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिसकम्पोज्ड बाई बैक्टीरिया इन बायोगैस डिजास्टर्स टू एमिट बायोगैस। बायोगैस के बनाने के लिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, विच इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर बनता है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। बायोगैस से एक अच्छा एक्सीलेंट फ्यूल है जो कि कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए और बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के लिए यूज़ होता है, मतलब खाद बनाने के लिए जो बचता है वेस्ट उससे खाद बन जाती है। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी डैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। ये एनर्जी वैसे तो हमें सब जगह मिल जाती है, बट इसको पहुंचाना बहुत कॉस्टली भी है और डिफ़िकल्ट भी है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाई नॉट वेस्टिंग एनर्जी, इसलिए हर पर्सन को एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेट, एनर्जी को जब हम लोग सेव करेंगे तभी उसको जनरेट भी कर सकते हैं। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, और तभी हमारा फ्यूचर भी एनर्जी से बहुत ब्राइट बनेगा। अगर हम लोग वेस्ट करेंगे तो फिर हम अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाएंगे।
ये टैंक दिया है बायोगैस बनाने का, जहाँ से स्लरी डाला जाता है, पानी ऊपर से डाला जाता है, सॉइल होती है, मैन्योर होता है और बाहर निकलता है और फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऊपर गैस, देखो गैस टैंक है, ऊपर से गैस निकल जाती है। स्लरी मीन्स हमारे ख़राब चीज़ें, जो ख़राब पदार्थ होते हैं वो सारे डाले जाते हैं गैस टैंक से, गैस ऊपर से निकलती है और इधर से सॉइल मैन्योर आउटलेट के फॉर्म में फर्टिलाइज़र बन के बाहर निकलता है। नाउ दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। थैंक यू क्लास।